असल मैं यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खरीत से होंगे तो जी हाँ ब्लॉग हमने स्टार्ट कर लिया है ब्लॉग में आप लोग साथ ही रहिएगा कहीं मत जाइएगा तो यहाँ लगा दिया अभी मैंने ताला ये देख लें जी ये लगा दिया मैंने ताला अच्छा मैं जा रही हूँ अभी अपनी ही दोस्त के साथ किसी और दूसरी दोस्त के घर तो मुझे कुछ ज़रूरी काम भी है उनसे और तो मैंने कहा चले आपके साथ ही चलती हूँ अक्सर उन्हीं के साथ जाना होता है तो चले जी चलते हैं अभी आगे और आगे की जो रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है वीडियो में साथ ही रहिएगा मेरे और मौसम भी देखें आज कोई बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और यहाँ निकले हुए हैं हमारे ये कपड़े ये देखें जी ये रखे हुए हैं कपड़े मशीन जो है सही करवाने के लिए भी किसी को दिए देखते हैं उन्होंने कहा है कि अगर कम खर्चा हुआ तो मैंने कहा देख लें उसको चेक करा दें अगर नहीं हुआ तो फिर ये के वापस उठा के लेकर आ जाएंगे क्योंकि तो कपड़े जो है बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं अच्छा जी यहाँ देखिए मौसम बहुत कोई खूबसूरत मौसम हो रहा है तो बस मैं उनका यहाँ छत पर भी वेट कर रही हूँ मैंने उनको कहा है कि आप गली ए, कोने पर आ जाए मैं भी वहीं आ जाती हूँ तो बस उन्होंने कहा कि अभी पाँच मिनट रुके मैं जो है अपाया वगैरह पहनकर आ रही हूँ तो यहाँ हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है खैर हल्की हल्की सी बूंदें हो रही थी वो भी बंद हो गई है बस मैं उनका वेट कर रही हूँ फिर आगे चलते हैं ये देखें गली का हाल मैं यहाँ खड़ी हुई वेट कर रही हूँ काफ़ी देर से उनका अब वो आ रही है मैडम इतनी देर लगाती उन्होंने आज अच्छा यहाँ हम आ गए थे और ये जो है ना इनकी सीढ़ियाँ बड़ी कोई ख़तरनाक है देखें ये बिल्कुल गली पे जो है ना सीधी बनी हुई ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता तो हम लोग बड़ी मुश्किलों से चढ़ते हैं खैर अब तो काफ़ी दफ़ा जाते रहते तो आदत हो गई है तो यहाँ पे जो है इनके है बेटे की शादी स्टाइल माशा से बहुत अच्छी जो है ना बड़ी तैयार की है अच्छा पहले भी इन्होंने सब दोस्तों को बुलाया था मैं तो खैर जा नहीं सकी थी तो और बाकी सब दोस्तें वगैरह चली गई थी मेरा जाना नहीं हुआ था तो मैं भी काफ़ी टाइम के बाद गई थी तो फिर कुछ जो ड्रेस थे उन्होंने हमें दिखाए और बाकी जो है दर्जन के पास सिलने के लिए गए तो यहाँ पे ये अब आया भी था ये देखें जी प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से ये भी सिंपल सा था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था कलर भी अच्छा लग रहा था और इसके अलावा जो ड्रेस थे माशाल्लाह बहुत प्यारी उन्होंने जो भरी की है बरी तैयार किए और कलर वगैरह भी बहुत अच्छे थे इसके अलावा जो है काम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ था कपड़ों के ऊपर तो मैं हम लोग देख रहे थे और अच्छा घर में जो इनका काम भी हो रहा था लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ना हम सबको जो है ना दोबारा खोल खोल के दिखाया कि नहीं आप लोग जो है ना देखें सारे ड्रेस उन्होंने हमें दिखाए तो यहाँ हम लोग देख रहे थे और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी आगे जो है उन्होंने दुपट्टा तैयार करवाया अपनी बहू का वो भी पे वो और आजकल चल भी रहा है वो दुपट्टा बहुत ना तो उन्होंने वो भी दिखाया था क्योंकि निका जो है वो पहले है तकरीबन एक महीना पहले है निका उसके बाद जो है फिर रुख है तो यहाँ पे ये कुछ कॉटन के भी ड्रेस वगैरह थे कॉटन के जितने भी ड्रेस थे माशाल्लाह वो भी सारे जो है ना हवी काम के थे काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ था इनके ऊपर भी और इसके अलावा जॉर्ज के जो आप लोगों को पता है फैंसी सूट होते हैं वो थे सारे यानी बहुत अच्छे जो है ना बड़ी तैयारी इन्होंने की है माशाल्लाह से और अभी तो तैयारी आप लोगों को पता है कि जब तक तो शादी ना हो तो तैयारी चलती ही रहती है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था इन्होंने कहा इतनी अभी लगी रहे बाजार के चक्कर लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी चीज़ें रह गई मैंने कहा शादियों में तो यही होता है कि आप लोग जितना भी लेकर आ जाना इतना ही कम है तो ये भी जो है कॉटन का सूट था इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ हम सब जो है ना जितनी भी दोस्तें बैठी हुई थी सब देख रही थी और ये वाला जो ये एक ड्रेस था और एक साड़ी थी इसी तरह के काम की ना तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से सारे सूट जो है बहुत अच्छे और प्यारे थे माशाल्लाह बस अल्लाह पाक जो है ना आगे नसीब भी अच्छे करे और ये जो थी ये फुल भरी हुई जो है ना साड़ी है और इस पर काम भी बहुत कोई बारीक को हुआ था अच्छा लाइट कलर है तो इस पर जो ये गोल्डन जो है काम हुआ हुआ था लेकिन जो है ना शायद वीडियो में आप लोगों को सही नजर नहीं आ रहा है लेकिन प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से बहुत नचर थी ये नेट के ऊपर ये भी फुल हेवी जो है ना इसके ऊपर काम हुआ हुआ था और इसका जो ब्लाउज था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था अच्छा वो ब्लाउज का जो है इन्होंने कपड़ा अलग से लिया था वैसे तो सादा था लेकिन उन्होंने इसी तरह के काम वाला जो है ना अलग से लेके सिलवाया तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह साड़ी भी बहुत प्यारी थी और कलर बहुत लाइट सा है लेकिन शायद वीडियो में सही नजर ना आ रहा और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था ये वाला दुपट्टा भी अच्छा इसके साथ की जो शर्ट और वो स्लीव्स थी ना वो बहुत प्यारी लग रही थी स्लीव्स पे भी बहुत प्यारा काम हुआ हुआ था तो यहाँ पे बस इसी तरह इनकी तैयारी चल रही थी मुझे यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था तो फिर मुझे घर भी जाने की देर घर की यही टेंशन हो रही थी मैंने कहा बस जो है ना आयशा भी होगी वो परेशान हो रही होंगी और हस्बैंड भी आ गए होंगे तो ये देखें जी ये जो है ना कुछ इस पर इस तरह से बंचेज वगैरह लगने थे ये दिखा रही थी सब मैंने कहा बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह और ऊपर जो है यानी कलर वगैरह भी हो रहा था इन्होंने जब भी कमरा वगैरह बनवाया दुल्हन के लिए तो काफ़ी यानी घर में भी इनके काम हो रहा था तो इसलिए मैंने जो है ना थोड़ी सी करीब करके और बना ली तो बस यहाँ पे हम लोग फिर बैठे हुए थे मैंने कहा चले अब घर चलने की तैयारी करते हैं तो फिर इन्होंने बेचार सारा समेटा सब उठा के रखा जल्दी जल्दी फिर हम लोगों को घर भी आना था फिर तो उन्होंने जल्दी जल्दी हमारे लिए चाय वगैरह बनाई क्योंकि शाम का टाइम वैसे ही हो गया था फिर हम लोगों ने वहाँ पे चाय वगैरह पी बिस्किट उन्होंने काफ़ी सारी यानी चीज़ें रखी फिर हम लोगों ने खाया पिया बातें वगैरह की वहाँ बैठे हुए थे अच्छा मैं थी और दो तीन दोस्तें और थी सब थी और ये देखिए जी ये इनके बेटे का नाम था एजाज़ की दुल्हन तो ये जो है दुपट्टा इन्होंने तैयार करवाया अच्छा बने बनाए मिले थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने जो है ना बनवाया है ये तो मैंने कहा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से तो अब आगे जो शादी होगी वो इन वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पे बैठे हुए थे हम सब और ये सो रही थी इनकी बच्ची छोटी वाली क्योंकि घर में जो है बिल्कुल भी जगह नहीं थी मिस्त्री भी लगे हुए थे और साथ साथ काम भी हो रहा था तो यहाँ पर थोड़े कमरा जो इनका ये वाला छोटा था तो हम लोग यहीं बैठ गए थे बस यही थी इनकी सारी तैयारी आगे की तैयारी फिर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं और यहाँ पे मैं आ गई थी मुझे ना अच्छा खाने की बहुत देर हो रही थी पकाने के लिए आयशा को भी भूख लगने लग गई थी मैंने कहा जल्दी से रोटी तैयार कर लेते ऐसा ना हो कि गैस का एक तो इतना मसला है ना बहुत ज़्यादा तो फिर मैंने जल्दी जल्दी आयशा से कहा आप जल्दी जल्दी रोटी बेलें मैं जो है ना रोटी बनाती तो मैं यहाँ रोटी हम दोनों ने जल्दी से तैयार की और खाने के लिए समझ में नहीं आ रहा था अच्छा फिर जो है ना मैं आई घर पे तो हस्बैंड ने कहा मैंने जो है ना मशीन भी सही करवा दी है मैंने कहा ये आपने सबसे अच्छा काम किया फिर मैंने जो दी कपड़े धोए कपड़े धोने के बाद मैंने जो ना पे है ना छत पर फैलाए मैंने कहा ये जो है ना सूख जाएंगे वरना तो फिर जो है ना सुबह में बहुत परेशानी हो जाती है अक्सर लाइट चली जाती है तो यहाँ मैंने फिर ये कपड़े धो लिए थे और मैंने फैला भी दिए थे मशीन भी लगा ली थी साथ साथ और साथ साथ जो है आयशा ने और मैंने जैसे थी रोटी भी बना ली थी फिर मैंने जो है ना दाल चढ़ा दी थी मैंने कहा अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा चले दाल बना रहे थे और यहाँ हस्बैंड आए ना इतना तेज़ कोई बुखार हो रहा था इन्हें ना बहुत ज़्यादा तो फिर मैंने इनसे कहा आप जो है ना लेट जाएँ और ना आपको दवाई दिलवा के लेकर आ जाती थी तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना ये नहीं उल्टे सीधे आके पड़े हुए थे यहाँ पे ये तो यहाँ पे जो है ना बहुत तेज़ इनको बुखार हो रहा था मैंने कहा चाहे कशान आते हैं तो फिर जो है ना आपको दवाई दिलवा के लेकर आएंगे कशान मैं कैसे लेके जाऊँगी बाइक तो वही चलाएंगे बाइक तो मैं नहीं चला सकती तो यहाँ पे ये पैनाडोल की गोली रखी थी मैंने कहा ये खा लें तो फिर मैंने इनको जो है ना दो गोली एक साथ दे दी थी तो ये वही इनको होश ही नहीं था कि कहाँ पड़े कहाँ नहीं बहुत तेज़ तो बुखार भी हो रहा था और मैंने दो तो नफ़ा उठाने की कोशिश करी लेकिन ये जो है ना उठे ही नहीं कह लेंगे नहीं मेरी जो है ना हिम्मत नहीं बस ऐसे ही जो है ना पड़े हुए थे बिल्कुल ही मैंने कहा खाना तो अब खाना देना नहीं है बुखार में तो फिर मैंने इसे कहा चाय के साथ कुछ मंगा दी थे उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं खाना तो बस यहाँ ऐसे ही लेटे हुए थे कशान का इंतजार कर रही थी मैंने कहा कशान आएंगे तो फिर वो जो है डॉक्टर को लेके जाएंगे इन्हें अच्छा मुझे नहीं पता था कि घर में जो है ना मैं गई हूँ और पीछे से जो है ना ये मशीन भी सही हो गई थी और उसके बाद जो है ना इनको बुखार भी चढ़ गया था फिर आयशा को मैंने कहा चलें यहाँ पे जो है ना आप सफाई कर लें दोबारा आयशा ने फिर जो है ना रोटी वगैरह बनाने के बाद हमने फिर यहाँ सफाई की आयशा जो है बेचारी नीचे घुस घुस के चरपाई के जो है ना लगा रहे थे कि चरपाई मैंने जो है ना बीच में कर दी थी मैंने कहा चले आप यहाँ लेट जाएँ आराम से अच्छा पहले मैंने पंखा चला दिया था फिर उन्होंने कहा मुझे जो है ना सर्दी लग रही पंखा बंद कर दो तो फिर मैंने पंखा बंद कर दिया था तो बस यहाँ इसी तरह लेट हुए थे अब आएंगे कशान तो कशान जो है फिर लेकर जाएंगे तो बस यहीं तक का था मेरा आज का ब्लॉग ब्लॉग कहीं करते हैं एं एंड आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़